शुरू करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते हैं लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहलाता है जो। नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी ध्रुवों के पास से चपटी है तथा बीच का भाग थोड़ा उभरा हुआ है। जैसे हमने ग्लोब में देखा है कि वो पूरा गोल होती है, ऐसा भी नहीं है और बिल्कुल चपटी भी नहीं है, तो बीच का भाग उभरा हुआ है और साइड से थोड़ा चपटी है। नेक्स्ट है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे क्या है? ये हमारे गैसीय ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा बिग बियर नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमती है, तो हमें जो ऑप्शन होंगे उसमें से हमें लिखना होगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन कहलाता है। नेक्स्ट है, इसके बाद पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर रॉकेट से धक्का लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? सौर मंडल की जो ग्रहों की संख्या कितनी होती है? वो 8 है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल के ग्रहों की संख्या कितनी है, उसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें हमें 8 चूज़ करना है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा ग्रह है? तो उसको बोलेंगे हम शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर क्वेश्चन ही आता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो उसमें जो ऑप्शन होंगे उसमें से हमें बृहस्पति ग्रह को चुनना है। ये हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह है, जो हमारे पृथ्वी के जो सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? जैसे हमारे जो ग्रहों की संख्या जो कि हमने 8 बताई थी, उनमें जो हमारा सबसे दूर जो है वो है नेपच्यून, जिसे वरुण भी कहा जाता है। पृथ्वी मिल्की वे व गैलेक्सी का एक भाग है। पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति कैसी है? स्पाइरल है। अगर क्वेश्चन आता है उसमें हमें ऑप्शन मिले होंगे चपटी है, गोल है, स्पाइरल है, तो हमें चूज़ करना होगा उसमें से स्पाइरल। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह पृथ्वी की अद्भुत प्राकृतिक नज़ारों के कारण कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो जो जीवन है, जिस पे हर तरह का जीवन है, मनुष्य भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, तो जो पृथ्वी का जीवन है एक अद्भुत जीवन है। नेक्स्ट है, लाखों तारों के समूह की यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे कहलाता है। नेक्स्ट है, हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है। सॉरी, प्राचीन भारत में आकाश गंगा की कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस कारण इसका नाम क्या रखा गया? आकाश गंगा रखा गया। आकाश गंगा अगर हमारे से क्वेश्चन कोई पूछता है आकाश गंगा कैसे बना है, तो हम उसका ऐसे बोल सकते हैं कि आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश गंगा में करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों और इस तरह की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की कल्पना नहीं की जा सकती है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं अभी इसकी जानकारी एकत्र करने में लगे हुए हैं, अभी पूरी इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, अभी कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक हमारे। पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं, जो हम सब लोग जानते हैं कि पूर्णिमा को ही होता है वो, तो पूर्णिमा के 15 दिन के बाद चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी लोगों को ये सब पता होता है कि अमावस्या और पूर्णिमा में 15 दिन का गैप होता है, 15 दिन के बाद अमावस्या आती है, नेक्स्ट 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है। सूर्य भी हमारा एक तारा है। नेक्स्ट पॉइंट है, चांद या आकाश में चमकते पिंड दिन में सूर्य से अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं ये खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आकाश में अनेकों खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं। रात के समय चमकने वाले अनगिनत तारे सूर्यों के समान बड़े हैं, लेकिन ये हमारे से दूर, बहुत दूर होने के कारण ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तारे भी सूर्य के समान ही बड़े हैं। हमसे बहुत दूर होने के कारण हम इनकी ऊष्मा और प्रकाश महसूस नहीं कर पाते हैं। वैसे ये भी बहुत बड़े हैं, एक तो दूर हैं और दूर होने के कारण हमें उनकी ऊष्मा भी नहीं मिलती है और उनसे हमें ऊष्मा रोशनी भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सौर मंडल। पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहेंगे, पूर्णिमा कह सकते हैं। पूर्णिमा के 15 दिन के बाद चंद्रमा की रात्रि आती है, उसे अमावस्या भी कहा जाता है। चांद या आकाश में चमकने वाले पिंड दिन में सूर्य के अत्यधिक तेज और प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते, यानी कि वो आकाश में से गायब हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा सूर्य है उसका प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि हम उनको देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं उनको क्या कहते हैं, हम खगोलीय पिंड कहते हैं। आकाश में अनेकों खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ये हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, रात के समय चमकने वाले अनगिनत तारे सूर्य के समान ही बड़े आकार के हैं, लेकिन हम इनसे बहुत दूर होने के कारण इनके प्रकाश और ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, रात को आकाश की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बेन इसी नक्षत्र मंडल का एक पार्ट है। 7 तारों का जो समूह बहुत आसानी, ज़्यादातर हमने देखा भी होगा कि पास में हमें लगता है कि 7 तारों का बहुत अच्छा सा एक पिक्चर बनी हुई है, दिखाई देती है, उसे सप्तऋषि कहते हैं। यह तारों का समूह नक्षत्र अर्सा मेजर का एक भाग है। अब मुझसे बोलने में जो गलती हो रही है उसके लिए सॉरी, प्लीज़। नेक्स्ट है, आकाश में स्थित कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, ये पिंड कहलाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं। यह ग्रीक भाषा में प्लैनेट को प्लैनेटाइट शब्द से, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइट शब्द से बना है। सॉरी, प्लैनेटाइट का अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हम जिस ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं यह अपना सूर्य प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे पास ज़्यादातर सब कुछ हमें सूर्य से ही प्राप्त होता है। सूर्य पृथ्वी के बहुत पास है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा में देखने पर यह बहुत चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। चंद्रमा एक उपग्रह है। सूर्य आठ ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है, सौर मंडल में सभी ग्रह उपग्रह सूर्य और पिंड क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड का इनका मुखिया कौन है, सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तब भी हम इतना दूर होने के बावजूद भी आप ये देखो कि हम दोपहर के टाइम ऊपर सीधा देख नहीं सकते, इतनी तेज उसकी प्रकाश ऊष्मा है। नेक्स्ट है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस तथा नेपच्यून, ये हमारे ग्रह की जिसे बोलेंगे कि लाइन है। सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि यूरेनस तथा नेपच्यून। नेक्स्ट है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 3रे स्थान पर है। सूर्य के बाद हमारा सूर्य के जो सबसे पास ग्रह है वो है बुध, नेक्स्ट है शुक्र और तीसरा हमारा पृथ्वी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सूर्य के तीसरे ग्रह का नाम बताना, तो जो हमारे पास ऑप्शन होंगे उसमें से हमें पृथ्वी को चूज़ करना है।
नेक्स्ट है सभी ग्रहों में पृथ्वी का आकार सबसे बड़ा और आकार में पांचवा ग्रह है, इसलिए पृथ्वी को भू आब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर ही जीवन है, अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अत्यधिक ठंडी है, इसलिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। जीवन के लिए वायु और ऑक्सीजन मौजूद है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जीवन है, अद्भुत अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। पृथ्वी को अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। अगर हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे तो हमें नीले रंग का दिखाई देगा क्योंकि इसका दो तिहाई सतह भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी पसंद आई, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।